यहाँ दिखा से एक मिनट। Hey, good morning guys, welcome back to the new vlog. Hope so you are doing absolutely good. तो सुबह के 7:30 हो रहे हैं और व्लॉग भी मैंने यहाँ पे अपना अपलोड होने के लिए लगा दिया है और अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ सिनेमैटिक मोड। तो मेरे को ये बताना कि ऐसी वीडियो सही लगती है कि मतलब मेरा फेस फोकस में और बाकी ब्लर हो या नॉर्मल ठीक रहता है, ये मेरे को ज़रूर बताना। और अगर ऐसा बढ़िया लगता है तो फिर ऐसा करेंगे। 8 बज रहे हैं और वीडियो भी अपलोड हो गई अपनी मस्त। तो गाइस ये भी इसका हिल गया हुआ यहाँ से, पहले टेप लगाई थी पता नहीं कैसे निकल गई, मैं दोबारा लगाने लगा। अभी बनाना जो बनाना तो गैस मैं भी नहा धो के रेडी हो गया हूँ और पापा जी यहाँ पे बना रहे हैं मस्त गर्मा गर्म परांठे। परांठे बन रहे हैं अंडे। तो गैस अपने अंडे भी आ गए यहाँ पे, देसी अंडा ये देसी। तो गैस टाइम भी हो गया और मैं भी निकलने लगा हूँ अभी घर से। तो गैस फाइनली स्टूडियो में पहुंच चुके हैं हम और मेरी और नेहा की चल रही है कंट्रोवर्सी। 4 दिनों से हमने बात नहीं करी आपस में, आज ही शायद ही होनी थी बात, आज ही शायद होनी थी बात, लेकिन इसका चेहरा देख के मुझे हंसी आ गई। जो आज इसने चेहरे में हमने चेंज लेके आई है ना, ये यहाँ दिखा से एक मिनट यहाँ से क्या। हाँ नो स्पिन लगाई है इसने तो बड़ी अजीब सी लग रही है, ऊपर से कैप पहन के आई है मेरे लिए। थैंक यू सो मच, एक कैप मेरे लिए लेके आई तुम, आई नो, थैंक यू। तो गाइस अभी हम अपना लंच कर रहे हैं, मेरे पास है सूखे भल्ले और नया दही वाले भल्ले खा रही है, साथ में रोटी। मैं नहीं खाऊंगा यार, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं नहीं तू खाइए, मैं देख लूंगा बाद में, देख लूंगा देख लूंगा। ये नहीं ना मेरे को नहीं ऐसे सही लगता, दही ठंडा ठंडा फ्रिज वाला सही लगता है। नहीं तू खा, मैं ले लूंगा खुद, मैं ले लूंगा, मेरे को मैं सूखे भल्ले खा रहा हूँ फिलहाल। बूढ़ी अम्मा लग रही है गाइस, नाक में वो डाल के, क्या यार अपने खुद को अच्छी लग रही है ना, बाकी को लगना चाहिए। बाकी कौन? तेरे घर वाले। अच्छी लग रही है। कम से कम आधा घंटा हो गया ना और तेरे से ये खाना नहीं खाना खाया गया। यार तूने ये खानी है, सारा का सारा दही खाना है, तेरे खाए नहीं आधे घंटे से, फोन चलाया जा रही है। थोड़ा सा कट-कट हो गया ना। कोई बात नहीं खा दू पूरा खाने के चमचा भर के। थोड़ा कट-कट हो गया ना। फोन क्यों जला ले, पूरी वहां रख इसको यार, ये क्या बात हुई, पहले खा फिर चलाते रहे, खुद खा देखने लेती कितना कितना ये खट्टा है। बस ये हल्का हल्का जैसे बच्चों को नहीं खाते, छोटे बच्चों को उतना उतना लड़ तू रही है मेरे साथ, मेरी क्या मैं लड़ रही बस... लड़ा आप रहे हो, आप ही दुनिया भर के लड़ाके हो आप। कुछ क्षणों में युद्ध आरंभ होने वाला है, तैयार रहो आप। मैं बनूंगा लक्ष्मण, तू बनेगी मेघनाथ, जीत होगी सच्चाई की बुराई के ऊपर। देखी हमने कौन सी वाली, क्या नाम है इसका। तो गाइस काम करके हम हो चुके हैं फ्री और अभी हम जा रहे हैं घर पे। हंस क्यों रही है, आपकी बातों का ना कभी कभी लॉजिक कुछ नहीं होता। एक काम कर यार, तो अभी हम घर पे जा रहे हैं, कह रही मुझे भूख लगी है, भूख ये डायरेक्ट नहीं बोलती मुझे भूख लगी है, ये करती है यार मेरे पेट में कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, एसिडिटी सी हो गई है, कुछ हो रहा है पेट में, जलन जलन सी हो रही है। अच्छी हो गई तो फिर ये जाती है कि ये मेरे को खुद पूछे थे को हो क्या रहा है, भूख तो नहीं लगी है। फिर मैं पूछता हूँ इसको, मैं भूख लगी है, नहीं यार हो भी सकता है शायद भूख लगी है, चले डायरेक्ट कभी नहीं बोलती है कभी मुझे कि भूख लगी है। तो अभी देखते हैं आपका बड़े होने का फायदा क्या, मुझे पूछे ना, खिला देंगे कुछ ना कुछ और बाकी चलते हैं यहाँ से अब। अभी मुझे कह रही है गाइस कि मेरे बच्चों को कुछ हो रहा होगा, इसके बच्चे हैं छोटे छोटे से जिनके साथ ये खेलती है शाम मैं को, बहुत खेलती हूँ मैं, बड़ों साथ नहीं बैठती हूँ, बच्चों साथ खेलती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है बच्चों के साथ खेलने। बच्चों के साथ खेलती है लूडो, वो इसको बस स्टैंड पे लेने आए थे स्पेशली घर से कि आ रही होगी नेहा दीदी। बहुत प्यारे बच्चे हैं वो, पता कितने बच्चे हैं टोटल, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों के साथ खेलती है, ये अपना रोब जमाती होगी उनपे, कुछ ना कुछ काम करवाती रहती होगी। नहीं काम कुछ नहीं करती, अच्छा ऐसे ही मजा आता है मुझे उनके साथ, बच्चों के साथ रहती है गाइस। तो गाइस जसूर पहुंच चुका हूँ और नेहा को भी ड्रॉप कर दिया है और मम्मी भी आ गए मामू घर से, तो मैंने कॉल किया था मम्मी को कि इस टाइम पे आ जाना इकट्ठे चले जाएंगे, तो अभी फिलहाल मैं और मम्मी चले जाएंगे साथ में, चले चले बाय। तो गाइस घर पे भी हम पहुंच चुके हैं और बिना चाबी के कैसे खोलने लग पड़े ऑफिस से। तो गाइस शाम के 6:30 हो रहे हैं और अभी स्कूल ग्राउंड में भी आ गया हूँ मैं
और यहाँ पे वीडियो भी एडिट करने के लिए लगा दी मैंने। और सर में दर्द काफ़ी ज़्यादा हो रही है, पता नहीं, मेरे ख्याल से कुछ दिनों से रेस्ट नहीं मिल रही, काम धड़ाधड़ काम ही है तो रेस्ट नहीं मिल रही। अभी मिलेगी भी नहीं यार। मैं ज़िंदगी में एक चीज़ नोटिस करी यार, मैं बड़े दिनों से ये चीज़ सोचता आ रहा हूँ कि आज नहीं तो कल रेस्ट मिल जाएगी, कल अब अच्छा ये हो गया, अब शादियाँ खत्म हो गई, रेस्ट ही रेस्ट है। लेकिन अभी तक मतलब ये चीज़ मैं सोच रहा हूँ पिछले 8 महीनों से, जिस दिन से काम कर रहा हूँ ना नेहा के साथ, उस दिन से ये चीज़ सोच रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरे को वो टाइम नहीं मिला कि जिस दिन मैं बोलूँ हाँ रेस्ट मिल गई मुझे। तो वही हुए जा रही है, वही चीज़ें हुए जा रही है, लगातार काम है। और आगे मैं सोच रहा था कि अब शादियाँ खत्म हो जाएंगी 29-30 को और उसके बाद फ्री, फिर मैं सोचा कि दशहरा खत्म हो जाएगा उसके बाद फ्री, अब उसके बाद और ज़्यादा काम है। अभी फिर आगे नेहा का बर्थडे आ रहा है, फिर ये है, फिर कहीं इन्होंने घूमने का प्लान बनाया फ्रेंड्स ने, फिर वहाँ जाना, मतलब 4-5 दिन, मतलब बहुत ही बिजी शेड्यूल आगे। अब मैं सोच रहा हूँ जब घूम के आ जाएंगे तब फ्री हो जाएंगे, 18-19-20 के बाद फ्री हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा पॉसिबल मेरे ख्याल से, तो चलो देखो जो भी रहता है। तो गाइस घर पे मैं आ गया हूँ, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका लगा हुआ है वो मैच देखते हैं। अब ये दो निशान पता नहीं कैसे पड़ गए हुए टीवी में यार, ये वाले ना, एक ये और एक ये भी है, खुद ही पड़ गए ऑटोमेटिकली, पता नहीं कैसे दिख रहे हैं ना वो साइड में, 1-2 और वो 3। तो अभी मैच देखेंगे मस्त, और साथ में खाना खुना खाऊंगा, उसके बाद एडिटिंग करनी है, और आज आराम से सो जाना। वैसे कल भी आराम से सोया था लेकिन आज और आराम से सो जाएंगे। तो गाइस मेरा व्लॉग भी एडिट हो चुका है और मैच लगा है सामने, 10 बज रहे हैं रात के। स्कोर कितना हुआ, 145 पे 5 आउट हो गए, 10 ओवर में स्कोर चाहिए इनको लगभग 100 रन चाहिए 10 ओवर में, और 5 विकेट्स बची हुई हैं सिर्फ, और जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सा टारगेट है, मुश्किल भी है नहीं भी है, अगर आउट नहीं हो तब तो ये स्कोर मार लेंगे ना, लेकिन आउट हो गया कोई भी एक दो प्लेयर तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और बाकी अब मैं सो जाऊंगा, बस मैच देखते देखते 10 ओवर बचे हैं, शायद ही देख पाऊँ, पक्का पता नहीं, इनका भी नींद आ जाएगी मुझे, तो बाकी कोशिश करूंगा कि देख लूँ। सो बाकी इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, होप सबको ब्लॉग पसंद आया होगा। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।